हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का एक और नए वीडियो के अंदर। आज की इस नए वीडियो में देख सकते हो हमारे पीछे भी यहाँ पर वायुसेना का प्लेन रखा हुआ है, जो कि रास्ते पर एक ऐसा शो पीस के लिए लगाया गया है। एक गार्डन टाइप का बना हुआ है, उसी के अंदर रखा हुआ है, मतलब खड़ा हुआ है। देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है नौसेना। तो इसका वीडियो मैंने अपने ब्लॉग चैनल पर पहले अपलोड कर दिया था, तो आपने देख लिया होगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं दिखाऊंगा, थोड़ा बहुत आपको दिखा देता हूँ। फिर यहाँ से हम निकलेंगे आगे। अभी जाना है हमको यहाँ से बहुत ही दूर, तो वहाँ पर अपनी खड़ी हुई गाड़ी यहाँ पर अभी आगे चलते हैं। तो चलिए अभी चलते हैं आगे। इस तरह से देख सकते हो गार्डन टाइप का बना हुआ है और अंदर चारों तरफ से बाउंड्री वॉल है और उसी के अंदर खड़ा किया गया है वायुसेना का प्लेन। और उसके बाद में हम चलते हैं आगे। इस तरह से देख सकते हो अभी रोड है, रोड से हम जाएंगे आगे। अपने को जाने का एक आज मतलब एक कंपनी के अंदर, जिधर अपने को टाइल्स फिटिंग का काम देखने का है, तो इसीलिए हम जा रहे हैं। अभी दो लोग हैं, तो चलिए चलते हैं सीधा। और यहाँ पर अभी हाईवे का काम चल रहा है, देख सकते हो यहाँ पर फ्लाईओवर बनने का काम चल रहा है, जो कि अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। तो वो भी आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा किस तरह से भी बनाया जाता है, रोड ब्रिज किस तरह से बनाई जाती है इस तरह से। तो चलिए चलते हैं आगे, और आगे भी आपको बहुत सारी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। तो देख सकते हो यहाँ पर भी फिर से भी जो अपना पत्थर और सैंड और उसके बाद में जो खड़ी वगैरह निकलते हैं वो इस तरह से भी साइड में रख देते हैं, बाद में जिधर यूज आएगा उधर लगाएंगे। देख सकते हो यहीं पर अभी काम चालू होगा। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर पत्थर जो है वो फोड़ा जाता है, ताकि जहाँ पर रोड पे मतलब थोड़ा भर डालने का काम होता है, जहाँ पर हाइट बढ़ाने का, वो यहाँ से पत्थर वगैरह डाल के उसको बढ़ा लेते हैं। तो चलिए फिर यहाँ से भी निकलते हैं आगे और देखते हैं आगे क्या क्या मिलता है क्या नहीं। तो चलिए फिर सीधा चलते हैं कुछ इस तरह से। उसके बाद आप देख सकते हो व्यू किस तरह से आ रहा है। यहाँ पर भी काम चालू है, अभी ट्रक वगैरह जा रहे हैं सभी। काफ़ी अच्छा मौसम है अभी, तो चलिए चलते हैं सीधा आगे। तो अभी लगभग हम आधा रास्ता आए हैं, अभी आधा रास्ता और अपने को जाने का है। तो थोड़ा थोड़ा कट करके आपको दिखाता हूँ। बाकी यहाँ पर देख सकते हो जो पत्थर वगैरह रहते हैं रोड के, वो रोड पर ना इस तरह किस तरह से आइडिया लगाया गया है, मतलब जाल लगाया गया है कि रोड पे कोई भी पत्थर वगैरह ऊपर से गिर के नीचे ना आए, तो ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। उसके बाद सीधा चलते हैं, यहाँ से भी काफ़ी दूर है, थोड़ा कट करके दिखाता हूँ। अभी हम पहुँचने वाले हैं, तो देख सकते हो दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर। अभी आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर देख सकते हो कनागला इंडस्ट्रियल एरिया जो है, यहीं पर अपने काम है। लेकिन अपने को फ़ोन से भी पूछना पड़ेगा कि किधर पे आना है, तो इसलिए यहाँ पर रुककर अभी हम फ़ोन कर रहे हैं कि कहाँ पर आना है। तो देख सकते हो अब यहाँ से हमने फ़ोन किया, तो उन्होंने बताया इधर से सीधा नहीं आना है, बगल से एक रोड गया है ये वाला, उधर से आना है सीधा। तो आप देख लीजिए इस तरह से इंडस्ट्रियल एरिया है, तो इसके अंदर अपने को जाने का है। तो चलिए अभी चलते हैं और देखते हैं काम कहाँ पर है। तो अभी फ़ोन पर पता चला है कि गोल्ड प्लस फ्लोट ग्लास की कंपनी है, एक वहाँ पर आने का है। तो चलते हैं गोल्ड प्लस फ्लोट ग्लास कंपनी के पास। तो यहाँ से सीधा निकले, देख सकते हो यहाँ पर भी इंडस्ट्रियल एरिया है, तो कई सारे मतलब फैक्ट्रीज वगैरह रहेंगे यहाँ पर। तो अपने को जो जाना है वो गोल्ड प्लस फ्लोट ग्लास फैक्ट्री के अंदर जाने का है। तो चलिए सीधा चलते हैं और देखते हैं अंदर क्या होता है, कैसी फैक्ट्री है और अंदर क्या काम है, अभी अपने को कुछ पता नहीं है। तो चलिए वीडियो में बने रहना, आगे बहुत ही अच्छा लगेगा आपको भी देख के। तो देख सकते हो दोस्तों अभी हम गेट पर पहुंच चुके हैं, यहाँ पर गोल्ड प्लस फ्लोट ग्लास के कंपनी के बाहर, जो कि यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर ग्लास बनता है अंदर। तो जितना हो सकेगा आपको दिखाएंगे क्या होता है क्या नहीं। तो अभी हम अंदर पहुँच चुके हैं, यहाँ पर गेट से अपना विजिट पास जो होता है वो मिल चुका है। तो चलिए अभी चलते हैं आगे। अभी अपने को जो विजिट पास था वो मिल गया है, क्योंकि अंदर दिखाना पड़ता है कि किस लिए आप आए हो, क्या काम है आपका, इसलिए अपने को विजिट पास मिला है। तो देख सकते हो यहाँ पर कंपनी के अंदर काफ़ी मतलब अभी अच्छा दिख रहा है, अभी जो भी मतलब लगाए गए हैं पेड़ पौधे देख सकते हो बगल में, और काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो अभी हम कंपनी के अंदर थोड़ा वेट कर रहे थे सर के आने का, तो वो अभी चल के अपने को काम दिखाने वाले हैं, तो थोड़ा देर तक वेट करना पड़ा। उसके बाद में हम काम देखने के लिए जा रहे हैं, जो कि देख सकते हो इस तरह से अभी जा रहे हैं, और बारिश हो रही थी इसलिए अपने को रुकना पड़ा, क्योंकि बारिश में तो जा नहीं सकते थे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो अपार्टमेंट है, तो यही अपार्टमेंट का काम देखने के लिए आए थे हम, जो कि अभी फाइनली काम देख चुके हैं। अभी काम देख के जा रहे हैं वापस, अभी यहाँ पर आधा काम हुआ है, मतलब अभी प्लास्टर का काम चालू है, तो जब प्लास्टर हो जाएगा तब देखेंगे टाइल्स का काम, फिटिंग का। तो अभी हम सिर्फ विजिट के लिए आए थे, देख चुके हैं काम, रेट वगैरह हमने अपना बता दिया कितना क्या है फर्सी फिटिंग का, टाइल्स फिटिंग का। तो चलिए अभी यहाँ से हम निकलेंगे बाहर, जो कि देख सकते हो बाहर भी हम निकल चुके हैं गेट के। अभी फिर से निकलते हैं अपने रूम की ओर, जो कि देख सकते हो यही वो फैक्ट्री का मेन जो ऑफिस है वो यही है,
इसी के अंदर अभी वेट कर रहे थे, वेट करके अभी सर आए थे, वो दिखाए काम, काम दिखाने के बाद उनको रेट वगैरह हमने बताया, वो सबका वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि कुछ प्राइवेसी का बात था। तो उसके बाद अभी हम निकल लिए, देख सकते हो इस तरह से, देखते हैं काम बाद में, अभी एक दो महीने का टाइम है, देखते हैं आएगा तब करेंगे, नहीं तो क्या होता है कि कई लोगों को दिखाते हैं ना काम, तो देखेंगे अपने पास आएगा तो करेंगे, नहीं आएगा तो भी कोई बात नहीं, अभी देख के जा रहे वापस। तो हमने सोचा अभी दूसरा रास्ते पे आपको भी दिखा देते हैं कि किस तरह से लुक रहता है, अभी दूसरा रास्ता थोड़ा ख़तरनाक है, तो हमने सोचा कि चलिए चलते हैं आपको भी दिखा देते हैं। तो यहाँ से मतलब ढलान बहुत है, यहाँ से स्लोप बहुत है रोड का, तो बहुत ही धीरे धीरे जाना पड़ेगा अपने को नीचे, देख सकते हो पूरा स्लोप है यहाँ से और एकदम नीचे जाने का है अपने को, देख सकते हो इस तरह से। तो चलिए सीधा चलते हैं नीचे, अभी देख सकते हो यहाँ से हाईवे बहुत ही नीचे, मतलब हम इतना ऊपर थे कि अगर उधर से ऊपर जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत पड़ती है, लेकिन ऊपर से नीचे जाने के लिए ब्रेक लगा लगा के जाना पड़ता है, मतलब गाड़ी को एक्सीलेटर वगैरह नहीं देना पड़ता है, सिर्फ ब्रेक लगा लगा के ही जाना पड़ता है। अभी यहाँ से बहुत ही नीचे रोड, तो चलिए चलते हैं नीचे रोड की ओर। तो अभी फिर से वही हाईवे पर निकलेगा रोड जिस हाईवे से हम आए थे, तो चलिए अभी चलते हैं नीचे, अभी आधा रास्ता तो निकल गया है, आधा ही बचा है। बारिश का मौसम है, अभी बारिश हो रहा था थोड़ी देर पहले और अभी फिर से बारिश हो रहा है, और अभी हम जा रहे हैं रूम की ओर, देख सकते हो अभी मैं पूरा का पूरा भीग गया क्योंकि रेनकोट नहीं डाल के आया था, मुझे पता नहीं था कि ऐसा बारिश होगा,